कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए KK कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th टू MCOM, CA, CSCMA एंड BBA का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सीए के सर फ्रॉम KK कॉमर्स एकेडमी नासिक। और दोस्तों, आज हम आ रहे हैं TYBCOM के कंटेंट के साथ। दोस्तों, देख सकते हो टाइटल TYBCOM पुणे यूनिवर्सिटी के लिए बेसिकली थर्ड ईयर बीकॉम, लास्ट ईयर बीकॉम, ग्रेजुएट होने वाले हो आप, लास्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर, सेमेस्टर नंबर 6। और इसका सब्जेक्ट जो है एडवांस अकाउंटिंग 2, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। और एडवांस अकाउंटिंग 2 में फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं आज, चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोस्तों, पासिंग के लिए और वी कैन से अच्छा स्कोर करने के लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। ये चैप्टर डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शनल ऑप्शन रहेगा नहीं रहेगा वो तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा समझ लो यार, ये टॉपिक कंपलसरी है। स्टूडेंट्स नॉर्मली टीच करते टाइम डे वन पे हम आपको पेपर पैटर्न वगैरह ये चीज़ें नहीं बताते, सो दैट आप इसको सीखो पहले। अगर पेपर पैटर्न पता हो तो पहले से एटीट्यूड होता है कि ये चैप्टर करें या ना करें, ऑप्शन में छोड़ दे, ये स्किप कर दे, तो ये क्यों सोचना है यार। पहले तो ये सोचो कि थर्ड ईयर बीकॉम में एडवांस अकाउंटिंग लेवल में ग्रेजुएशन आप हो रहे हो, ग्रेजुएट होने के पहले अगर ये आप टॉपिक आपको दिया है तो डेफिनेटली कुछ तो रीजन होगा कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली ये टॉपिक पर्पसफुली दिया है, तो वो पर्पस पूरा करने के लिए आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। एग्जाम में क्या होगा, ये सब बाय प्रोडक्ट है, इट इज बाय प्रोडक्ट। एग्जाम में डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और मार्क्स मिल जाएंगे, ऑब्वियस। लेकिन फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एग्जाम के पहले आज हमें लर्निंग हमारा टारगेट है कि ये टॉपिक अच्छे से सीखना है। और कोऑपरेटिव दोस्तों, कोऑपरेटिव इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। कोऑपरेटिव जरा मराठीत सहकार म्हणतात, यस कोऑपरेटिव जरा मराठीत सहकार म्हणतात। तो बेसिकली बच्चों, नाम में ही है सहकार, और वी कैन से कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए, ना ही प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, ये बिजनेस के नाम से समझ रहा है, इसमें नाम में कुट कुट के भरा हुआ है कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने भाई, हम तो लोगों को सर्विस देने के लिए बने हैं। लेकिन सर फिर ये NPO है क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट, और वी कैन से चैरिटेबल ट्रस्ट की कैटेगरी में आएगा क्या ये चैप्टर जो हमने 12th में सीखा था, वही है ये? बिल्कुल नहीं बच्चों। पहली बात तो ये कि जो हमने सीखा था ना चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें था ऑफकोर्स नॉट फॉर प्रॉफिट, लेकिन उसमें मेंबर्स को सर्विस देना भी नहीं था। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा होता है कि कुछ मेंबर साथ में आते हैं, साथ में वॉलंटरीली साथ में आके कोऑपरेटिव सोसाइटी परफॉर्म करते हैं, और वो जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स, एटलीस्ट उन्हें कुछ डिविडेंड वगैरह प्रॉफिट मिलने वाला है। वैसे चैरिटेबल ट्रस्ट में डिविडेंड मिलना अलाउड ही नहीं है, इस केस में एटलीस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में डिविडेंड मिल सकता है। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स वाला है, लेकिन डायरेक्टली हम एज पर अवर ट्रेंड डायरेक्टली हम किसी भी टॉपिक में, बड़े टॉपिक में डायरेक्ट क्वेश्चन पे ना जाते हुए पहले हम बेसिक चीज़ें देखते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, समझ लेते हैं कि ये टॉपिक क्यों आया, क्या आया, इसका मीनिंग क्या है। और साथ ही साथ ये समझना भी हमारे लिए जरूरी रहेगा बच्चों कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आएगी। ओके, देखो फाइनल अकाउंट 11 में था, वो कौन सा था, कोऑपरेटिव तो अभी यार वो था सोल प्रोप्रेटरशिप वाला, ठीक है। 12th की अगर बात करें तो 12th में फाइनल अकाउंट था पार्टनरशिप वाला, फर्स्ट ईयर में था चैरिटेबल ट्रस्ट वाला, सेकंड ईयर में भी फाइनल अकाउंट था कंपनी का, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो कंपनी फाइनल अकाउंट था। उसके बाद अगर हम याद करें इसके पहला सेमेस्टर मतलब 5, तो वहाँ पे भी था फाइनल अकाउंट्स बैंकिंग कंपनी, ठीक है। लेकिन अब हम फाइनल अकाउंट देखने वाले अलग, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। फाइनल अकाउंट नाम सुनते ही डेफिनेटली दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली यस बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु बंधु, वो जो टी शेप वाला बैलेंस शीट होता है ना, वो वाला नहीं है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। तो टी शेप नहीं है, अरे टी शेप है, मतलब वर्टिकली है, और वो हमें इजी भी जाता है ना बच्चों। देखते रहते हम लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, वैल्यू हुआ क्या नहीं हुआ, डिफरेंस आया तो कितना आया, तो हमें अगर ऐसा एक के लिखना है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। कंपनी अकाउंट के केस में क्या किया हमने,
सच्ची बताए वो टॉपिक ऑप्शन में छोड़ दिया था राइट यस वो टॉपिक ऑप्शन में छोड़ दिया था क्योंकि कंपनी फाइनल अकाउंट्स के केस में कंपनी का फॉर्मेट इतना बड़ा था प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट फॉर्मेट पूरे होने के लिए ला लेते और फॉर्मेट ही पूरा नहीं होगा पहली बात तो भाई इतना 2-3 पेज ड्रॉ करके फॉर्मेट बनाओ और फिर पता चलता है कि 25 वर्किंग नोट उसकी 25 शेड्यूल बनाओ नोट बनाओ मतलब और 4 पेज तक आंसर चलेगा तो ऐसे 5-6 पेजेस लग जाते थे इसमें इतना टाइम कंज्यूम होता था कि हमने वो टॉपिक कभी किया ही नहीं ऑप्शन में डाल दिया होगा मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्लस पॉइंट है फॉर्मेट ऑफ कोर्स लर्न करना पड़ेगा ये तो नेगेटिव पॉइंट है फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है और याद करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों एक बार अगर फॉर्मेट आप याद कर लो तो फॉर्मेट के बाहर कुछ भी नहीं है और मैं आपको ऐसी स्टोरी बताऊंगा बच्चों ऐसी स्टोरी बताऊंगा ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि वो फॉर्मेट आपको याद रह जाएगा परमानेंटली सेव हो जाएगा डोंट फियर इट केकेसी इज नियर ठीक है। अब ये फॉर्मेट तो देखेंगे लेकिन याद रखिएगा फॉर्मेट के बाद इसमें वर्किंग नोट शेड्यूल ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। जो कंपनी फाइनल अकाउंट में हमने देखा ना कि पूरा फॉर्मेट बनाओ और हर एक आइटम को अलग 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 वर्किंग नोट बनाओ फिर वहां से अमाउंट लाओ ऐसा यहाँ पे नहीं है जो भी है फॉर्मेट में ही लिखना है फॉर्मेट के बाद कुछ नहीं ठीक है। तो स्टूडेंट्स टॉपिक से डरने वाली कोई बात नहीं है अभी अच्छा है और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो अच्छा है डायरेक्टली अगर आप टॉपिक ओपन करोगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कर दिया चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तूफानी करते हैं तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो शायद से आप डिफिकल्टी फेस करोगे और आपको ये टॉपिक के बारे में निगेटिविटी आएगी कि नहीं भैया टॉपिक तो अपने से हो ही नहीं सकता इट में हैपन ऐसा हो सकता है तो ऐसा ना हो इसलिए पहले स्टेप बाय स्टेप थियोरेटिकली देखते हैं पार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है में कौन से कुछ टर्म्स वगैरह यूज होते हैं रूल्स वगैरह क्या है ये बेसिक बेसिक चीजें आज के सेशन में कवर करते हैं दोस्तों। रिमाइंडर TYBCOM का बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम टुडे इटसेल्फ दिस इज द फर्स्ट लेक्चर वन लेक्चर नंबर 0 भी हुआ था इसके पहले दैट इज KYS दैट इज नो योर सब्जेक्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा बच्चों सेम ये जो लेक्चर है उसी प्लेलिस्ट में जो वीडियो ये जो लेक्चर चल रहा है इसी प्लेलिस्ट में नो योर सब्जेक्ट का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फाइनली का नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन आफ्टर एंजॉयिंग फ्यू सेकंड्स ऑफ म्यूजिक। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फाइनल अकाउंट्स देखते हैं क्या है इसमें। तो इंट्रोडक्शन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन पर्सन डिजायरस ऑफ परस्यूइंग अ कॉमन ऑब्जेक्ट। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग दे दिया इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन दोस्तों वॉलंटरी म्हणजे स्वेच्छा ओके खुद की इच्छा से तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब अगर कोई पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता है मेंबर बनना चाहता है तो आ जाए वेलकम हमारा दरवाजा खुला है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर आप बन सकते हो और अगर किसी मेंबर को जाना है तो टाटा बाय बाय चलो चलो आना है तो वेलकम जाना है तो गर्दी कम कोई टेंशन नहीं इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन भी सकता है तो एंट्री एंड एग्जिट फ्री है ठीक है। एंड पर्सन डिजायरस ऑफ परस्यूइंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और कुछ पर्सन के कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो साथ में आ जाते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ठीक। तो वन बेसिक फीचर व्हिच डिस्टिंग्विश अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप दोस्तों बाकी जितने भी बिजनेस है बाकी जितने भी मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेट है पार्टनरशिप में बिजनेस किया जाता है कंपनी के फॉर्म में किया जाता है कोऑपरेटिव के फॉर्म में किया जाता है तो जितने भी फॉर्मेट है बाकी सब एक तरफ और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरफ। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक स्पेशलिटी ऐसा है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यस बच्चों सबकी नजर वो पॉइंटर पे द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स रादर देन टू अर्न प्रॉफिट। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी की सबसे बड़ा फीचर क्या है देयर मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी ही किस लिए उसका पर्पस क्या है तो पर्पस ये है कि टू रेंडर सर्विसेज रेंडर मतलब प्रोवाइड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर रादर देन टू अर्न प्रॉफिट। नहीं नहीं प्रॉफिट नहीं कमाना हमें प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट क्या प्रॉफिट नहीं कमाना प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन ही नहीं हमारा इंटेंशन एक ही है कि हमें जो मेंबर्स है
कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनको सर्विस प्रोवाइड करना है, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, बहुत सारे ये सुनने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में यही सवाल आता है, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रॉफिट नहीं होगा। आप बोल रहे हो ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट पर्पस से नहीं बनती, तो पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका मतलब इनको प्रॉफिट नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं है, दो चीजें अलग है, आप समझो ठीक से। हमने चैरिटेबल ट्रस्ट भी पढ़ा है, चैरिटेबल ट्रस्ट बोलो या एनपीओ बोलो, आपको जो भी सुटेबल लगे, तो ट्वेल्थ में भी पढ़ा था, बीकॉम में भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो दोस्तों हम जब भी वो फाइनल अकाउंट्स करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, वहाँ पे ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते थे, तो कई बार बिजनेस में सरप्लस आता था। सरप्लस मतलब क्या, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर के कंपेरिजन में, वो भी तो प्रॉफिट था, बस नाम उसका सरप्लस था। तो दोस्तों नॉट फॉर प्रॉफिट में भी प्रॉफिट होता है, लेकिन क्या होता है, इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का नहीं है। ठीक है, इसका मतलब लॉस होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंटेंशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझो आप। दोस्तों यस, वेरी गुड इवनिंग विशाखा जी, नाइस टू सी यू। आपने लेट कर दिया थोड़ा सा, हम भी लेट हो गए वैसे सेशन में, बट आप तो हमसे भी लेट हो गए। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव्स। तो दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो भी है, दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट्स, उनको कंपल्सरी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं एंड अकाउंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जैसे ROC होता है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को उनके जो एनुअल रिटर्न्स है वो फाइल करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स के पास। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है ये तो हम समझ गए भाई, जिनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है मेंबर्स को, इसके लिए कुछ लोग साथ में आ गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो गई। लेकिन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स कौन से हैं? सो देखो बच्चों, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी एंड लाइक दिस, ऐसे बहुत सारे टाइप के सोसाइटीज होते हैं। लेकिन हम अपने सिलेबस की अगर बात करें तो हम सिर्फ दो टाइप के देखने वाले हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये दो ही हम पढ़ने वाले हैं इन डेप्थ। ठीक है, देखो आगे, द कोऑपरेटिव एक्ट इन्फोर्स इन महाराष्ट्र स्टेट इज द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, सपोर्टेड बाय सिचुएटेड रूल्स। ओके, देखा जाए तो बच्चों सेंट्रल लेवल पे भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है जो पूरे इंडिया का है, बट वो एप्लीकेबल नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्टेट वाइज एक्ट बनाए गए हैं बहुत सारे स्टेट में, महाराष्ट्र में तो है भाई, बाकी स्टेट गया तेल लेने। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, इस एक्ट के अंडर सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज कवर होती है, सब कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाय डिफॉल्ट ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। ऑन द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, अरे हाँ रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा भाई, इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है बच्चों। अभी फॉर एग्जांपल मेरी बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप की, जो बिजनेस स्टार्ट करना था मैंने ऐसे ही कर दिया, शटर खोला, बिजनेस शुरू। ओके, कोई परमिशन नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, चलेगा? अरे चल जाएगा, सोल प्रोप्राइटर के केस में चल जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो उसमें नहीं चलेगा, उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ऑन द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन अ सोसाइटी विल बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट विद द नेम इन विच इट हैज बीन रजिस्टर्ड विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। दोस्तों मान लो मैंने KKCA की बात करते हैं, KKCA मेरा सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस था, बट मैंने वहाँ पे छोड़ दिया, मैंने रजिस्टर कर लिया KK कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, तो जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन किया, उस दिन से क्या होगा, मेरा एग्जिस्टेंस एज अ बॉडी कॉर्पोरेट आ जाएगा, जैसे कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है ना वैसे ही, ये बॉडी कॉर्पोरेट मतलब लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। अंडर द नेम इन विच इट हैज बीन रजिस्टर्ड, जिस नाम से रजिस्टर किया, KK कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो एक KK कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग बॉडी कॉर्पोरेट है, KK अलग है, KK कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग है, उसका एक अलग एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस भी कैसा है, परपेचुअल सक्सेशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो दोस्तों इंसान आएंगे जाएंगे जाते रहेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी थी है और रहेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यू चलता रहेगा, उसका बहुत लॉन्ग लाइफ है भाई। एंड अ कॉमन सील एंड ऑल्सो विद पावर टू होल्ड प्रॉपर्टी, एंटर कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, खुद के नाम पे लोन ले सकता है, खुद के नाम पे
कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकता है। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट बच्चों आपको कंपनी के फीचर्स याद हो गए ना, फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी, जॉइंट्स ऑफ कंपनी, सेम वैसे ही है, ये भी एक लीगल पर्सन बन गया। नाउ द एक्ट इन महाराष्ट्र स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 एप्लीकेबल है एंड प्रोवाइड्स फॉर कंपलसरी ऑडिट बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज। तो कॉपरेटिव सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार है उनसे कंपलसरी ऑडिट किया जाता है और एनी पर्सन ड्यूली इज ऑथराइज बाय हिम। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो ऑडिटर और वी कैन से रजिस्ट्रार है, पर्सन को अपॉइंट करके भी ऑडिट करते हैं, बट यस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑडिट करना कंपलसरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऑडिट इज मैंडेटरी, यू हैव टू डू इट। छोटा बिजनेस हो कम है कोई दिक्कत नहीं, करना तो पड़ेगा ही। नाउ मीनिंग, मीनिंग में देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग। देखो डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखें, डिक्शनरी मीनिंग अगर हमने देखा कोऑपरेटिव का मीनिंग, तो वो निकलता है कोऑपरेशन इज अ वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, किसी कॉमन पर्पस के लिए साथ में आके काम करना, दैट इज कोऑपरेशन। और ये कौन बोल रहा है, मैं नहीं, ये तो डिक्शनरी ने बोला हुआ है। आई एम रीडिंग दिस अगेन, कोऑपरेशन इज वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, कॉमन पर्पस के लिए साथ में काम करना, दैट इज कोऑपरेशन, दैट इज कोऑपरेशन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टेक द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेशन। और ये जो कोऑपरेशन का मीनिंग तो हमने देखा कि साथ में आना कॉमन पर्पस के लिए, और साथ में आना कॉमन पर्पस के लिए कोऑपरेशन है ना, यही कोऑपरेशन का एडवांटेज बेनिफिट लेने के लिए जो सोसाइटी बनी जा बनाई जाती है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू टेक द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेशन। जो कोऑपरेशन है हम साथ में आके कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कॉमन पर्पस के लिए काम करने का जो इंटेंशन है ये यूटिलाइज हो, सच में काम में आए, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की जाती है। दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर डेमोक्रेटिक एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। दोस्तों डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकशाही, ओके लोकशाही, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, तो वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक है मतलब लोकशाही है, लोग मिलकर डिसीजन लेंगे एंड साथ में सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, खुद सेल्फ गवर्न कर सकते हैं, तो दे आर डेमोक्रेटिक। अभी सवाल ये आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेमोक्रेटिक क्यों बोला जाता है, एज दे आर मैनेज बाय मैनेजिंग कमिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेज करने का काम, डे टू डे लाइफ में मैनेज करने का काम कौन करता है, मैनेजिंग कमिटी। जैसे कंपनी में कैसे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बराबर ना, जो कंपनी संभालते हैं, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमिटी होती है। ओके तो दे आर डेमोक्रेटिक एज दे आर मैनेज बाय मैनेजिंग कमिटी which is formed by applying the principle of one man, one vote and not on the basis of shareholding. Yes, students, company के केस में कैसा होता है पता है, मेरे पास जितना शेयर है उतना मेरा वोट है, ये हाथ नहीं हथौड़ा है मेरे भाई, ये इस जो शेयर से ना, अगर मेरे पास 51% शेयर से मैं हाथ ऊपर कर दूं डिसीजन फाइनल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जितने वोट है 51% शेयर से अगर मेरे पास है तो 51% वोटिंग मेरा रहेगा और मैं जो बोलूंगा वही फाइनल होगा। तो ये होता है वन शेयर वन वोट। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर बात करें, यहाँ पे 1% वन वोट है, ना कि वन शेयर वन वोट। अरे मेरे पास 1000 शेयर से, आपके पास सिर्फ 10 शेयर से, हम दोनों भी इक्वल है कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्किंग के। अभी जैसे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जब भी बात होती है वोटिंग की, इलेक्शन की, पूरी इंडिया की जनता टूट पड़ती है, टूट पड़नी चाहिए, मतलब सब सब लोग नहीं जाते, बट जितने भी लोगों का वोटिंग है वो सब लोग इलेक्शन में जाते वोट करते हैं। अरे वो अमिताभ बच्चन क्यों ना हो, रजनीकांत क्यों ना हो, या फिर वो के सर क्यों ना हो, या आप क्यों ना हो, हर कोई पर्सन कोई भी जाए उसका वोट एज अ वन काउंट किया जाएगा, सिर्फ एज अ वन पर्सन, ओके ओनली वन पर्सन। क्यों? क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलती है, लोकशाही पे चलती है, यहाँ पे 1% वन वोट का रूल है, नॉट वन शेयर वन वोट। आपके पास कितने भी शेयर हो, आप अगर एक पर्सन हो तो आपका एक ही वोट काउंट किया जाएगा। दे आर गवर्न बाय मेंबर्स देमसेल्व्स। दोस्तों ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स ही चलाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है पता है, हाउएवर ड्यू टू दिस दे लैक इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट में कहीं तो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी पीछे पड़ जाती है। ओके एग्जाम्पल के तौर पर सपोज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उनके जो मेंबर्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स है, मैं वोटिंग लिया और उन्हीं में से किसी लोगों की ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया एज अ मैनेजिंग कमेटी, मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट हो गई,
अब कंपनी वी कैन से कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन मैनेज करने वाला है? मैनेजिंग कमेटी के लोग। मैनेजिंग कमेटी के लोग कहाँ से आए? वो मेंबर्स में से ही थे। तो अगर वो मेंबर्स में से ही है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बहुत हाईली कॉम्पिटेंट रहेंगे। ठीक है, वो इतने प्रोफेशनल रहेंगे जरूरी नहीं है। कंपनी के केस में कैसा है? देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में सीधा सीधी बात है, शेयर होल्डर्स ओनर है, शेयर होल्डर्स ओनर है, और उनको जो भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस चाहिए हो किसी को भी हायर कर सकती है कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा बहुत है। वो प्रॉफिट कमाने के लिए बनी ना, कंपनीज के पास पैसा बहुत होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी गरीब होती है बेचारी, के पास इतना पैसा नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को मैनेजिंग कमेटी पर अपॉइंट किया जाता है, वही बिजनेस संभालते हैं, इसलिए वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दे आर नॉट फॉर्म विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, और इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज पर एट द लोएस्ट पॉसिबल। इट इज नॉट फॉर्म इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, कहीं पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं हो सकता। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म किसने बनाया? फिर प्रोवाइड द गुड्स और सर्विसेज, गुड्स देना हो या सर्विस देना हो, इसको किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी मेंबर को, उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर को अभी लोएस्ट प्राइस पे, तो उसके लिए सोल्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, सीधा सा इंटेंशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है, उनको अच्छे से अच्छे सर्विस दो, उनको गुड्स चाहिए गुड्स दो, उनको सर्विस चाहिए सर्विस दो, बस मेंबर्स के लिए बनी है। ईच कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज टू रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। दोस्तों अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हो तो इट इज मैंडेटरी कि आप उस रिस्पेक्टिव स्टेट में जो भी एक्ट एप्लीकेबल है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर अपने बिजनेस को रजिस्टर कर। ठीक है, इन महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। अगर महाराष्ट्र की बात करें किसी को भी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर किसी को स्टार्ट करना है तो कंपलसरी वो रजिस्टर करना पड़ेगा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना पड़ेगा। ईच कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट हैव इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन आर नोन एज बायलॉज। दोस्तों हर कोऑपरेटिव सोसाइटी वेल रजिस्टरिंग द सोसाइटी दिस बायलॉज नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटी। दोस्तों वेल रजिस्टरिंग द सोसाइटी, जब भी आप रजिस्टर करोगे, मतलब सोसाइटी मतलब यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलना चाहते हो, तो वेल रजिस्टरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बायलॉज नीड टू बी अप्रूव्ड बाय कंसर्न ऑडिट। तो बायलॉज है बायलॉज नीड टू बी अप्रूव, अगर बायलॉज में कुछ चेंजेस करने हैं कंसर्न अथॉरिटी से करवाया जाएगा। ठीक है, अब तक इतना ही देखा हमने, कुछ लोग साथ में आ रहे हैं कॉमन पर, कंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है सर्विस देना है, जो प्रॉफिट आया वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रहेगा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकते हैं एज अ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड दिया जा सकता है क्या? ठीक है, उसके बारे में फिलहाल तो कुछ दिया नहीं है। देख कंज्यूमर सोसाइटी नई कंसेप्ट बच्चों, न्यू न्यू कंसेप्ट आ रही है, जागते रहो अलर्ट रहो पानी पीते रहो, नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठो, कैलकुलेटर तो नहीं लगेगा आज के लेक्चर में। हेलो आईआईपी म्यूजिक, क्या बात है भाई, म्यूजिक बनाते हो, किस चीज का चैनल है आपका आईआईपी? कंज्यूमर सोसाइटी। दोस्तों कंज्यूमर बोले तो जो ऐसा पर्सन जो खुद के यूज के लिए कुछ कंज्यूम कर, मतलब वो रिसेल नहीं करने वाला, खुद के पर्पस के लिए लिया जा रहा है, दैट इज कंज्यूमर। ठीक है, जैसे कि मैंने ड्रेस लाया, मैंने बेचा किसी को नहीं, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मैंने लिया कंज्यूमर सोसाइटी।
कंज्यूमर सोसाइटी का इंटेंशन क्या है, सॉरी कंज्यूमर सोसाइटी हो गया इसका मतलब मैं कंज्यूमर हो गया ऐसा बोल सकता हूँ, मैं कंज्यूमर हो गया अगर वो गुड्स मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंज्यूमर सोसाइटी द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज द प्रोक्यूरमेंट, परचेस करना, प्रोसीजर और प्रोसेसिंग और प्रोसेस करना किस चीज का, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू और फॉर द परफॉर्म और द परफॉर्मेंस ऑफ अदर सर्विस ऑफ अदर सर्विस टू इट्स मेंबर्स एज ऑल्सो अदर कस्टमर। क्या था ये क्या था कंज्यूमर सोसाइटी मतलब क्या, ऐसी सोसाइटी जिसका इंटेंशन क्या है प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और द परफॉर्मेंस ऑफ अदर सर्विस फॉर इट्स मेंबर्स। तो दोस्तों बेसिकली कंज्यूमर सोसाइटी का फोकस इसी चीज पे है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है ना वो मेंबर्स को गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल कर देना है बस। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मान लो हम 100 लोग मेंबर है तो 100 लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज मिलने चाहिए, ये प्राइम इंटेंशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इट्स मेंबर्स एंड कस्टमर्स, द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इट्स मेंबर्स among its members and customers in proportion prescribed by rules and bylaws of the society of profit accruing from such procurement, production or processing and distribution. Okay. So students, consumer society में इनका कहना ये है, suppose material procure मतलब purchase किया, procedure किया, process procurement कर लिया मतलब goods purchase करना, goods process करना, वो distribute करना, इसको distribute करने of course कंपनी के मेंबर्स को। आगे दिया है द एंड, एंड दिया है यहाँ पे और नहीं है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इट्स मेंबर्स एंड कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मेंबर्स एंड कस्टमर्स इन द प्रोपोर्शन प्रिस्क्राइब बाय रूल्स एंड बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स होते हैं बच्चों, रूल्स या बायलॉज होते हैं, जैसे कंपनी के कैसे मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल होता है, बराबर ना, तो वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में बायलॉज होते हैं। सो जो रूल्स एंड बायलॉज है वो फॉलो करते हुए फ्रॉम सच प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली कंज्यूमर सोसाइटी बनाई कंज्यूमर के लिए ना, इंटेंशन क्या है कि जो कंपनी के मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है उनको सर्विसेज और गुड्स एफोर्डेबल प्राइस मिले सस्ते। रिसोर्स डॉक्यूमेंट, सॉरी रिसोर्स सोसाइटी, रिसोर्स सोसाइटी इज अ सोसाइटी द ऑब्जेक्ट ऑफ विच ऑब्टेनिंग ऑफ फॉर इट्स मेंबर्स ऑफ क्रेडिट। वापस रीड कर रहा हूँ, रिसोर्स सोसाइटी इज अ सोसाइटी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज ऑब्टेनिंग फॉर इट्स मेंबर ऑफ क्रेडिट गुड्स और सर्विसेस। यस दोस्तों, रिसोर्स सोसाइटी में मतलब इनका कहना ऐसा है कि मेंबर्स को जो भी रिसोर्स चाहिए ना वो ला के देना पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेनिंग मेंबर्स obtaining for its members of credit. Suppose मुझे credit चाहिए, मुझे loan चाहिए, मुझे service चाहिए, दो भी जो भी चीज़ें चाहिए वो definitely cooperative society से complete हो सकता है। तो देखो agriculture credit, thrift and urban credit society। दोस्तों credit society का और एक type दिया रहा है, types of credit resource societies। These societies are formed, ये जो society agriculture credit वगैरह किस किस लिए form होती है, these societies are formed voluntarily by consumer. Okay, ये society बनाने वाले of course consumer से cooperatively. Then farmers and other weaker section of the society, basically जो farmer है एकदम weaker section of the society है उनके लिए, उनके लिए service provide करना भी important है. Yes, तो देखो in the real sense of term of cooperative movement called as people's movement and is promoted by government so as to serve the economic interest of the weaker section of society. दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर थ्रिफ्ट, एग्रीकल्चर मतलब ऑफकोर्स एग्रीकल्चर, हाँ यस थ्रिफ्ट सेविंग, अर्बन क्रेडिट सोसाइटी, तो अगर फैसिलिटी लोन वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में।
सोसाइटीज आर फॉर्म वॉलेंटरीली, याद रखना सोसाइटी वॉलेंटरीली बनी है बाय कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स से बनाई है, कंज्यूमर्स से बनती है सोसाइटी। एंड अदर वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है ना उनके लिए एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है। यस, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अरे क्रेडिट मतलब लोन देना रे बच्चों, यहाँ पे लोन देने की सोसाइटी है। सो देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे पहले, वो है इंकल्केशन ऑफ हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट अमंग पीपल। ये क्रेडिट सोसाइटी का इंटेंशन यही है कि जो लोग पैसे सेव नहीं कर रहे उनको सेविंग की आदत लगे। ओके, सेविंग उन्हें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है। प्रमोशन ऑफ सेविंग एंड म्यूचुअल फंड, प्रमोशन ऑफ सेविंग्स एंड म्यूचुअल हेल्प विच विल लीड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेंबर्स। बेसिकली प्रमोशन ऑफ सेविंग यहाँ पे दिया हुआ है, म्यूचुअल हेल्प विच विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेंबर, तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन में भी हेल्पफुल रहेगा। है क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी किस किस टाइप के लिए लोन देता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, नॉन एग्रीकल्चर, अर्बन क्रेडिट सोसाइटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, एग्जाम्पल एनडीसीसी, एनडीसीसी बोले तो नासिक डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव, वो क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक ही बच्चों, कैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट। ठीक है, तो इनका इंटेंशन यही होता है सर्विस प्रोवाइड करना है मेंबर को। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने बस एकदम छोटा सा ट्रेलर देखा, छोटी सी कुछ कंसर्न भी कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप वगैरह। डिटेल में जुड़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब और भी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, हैप्पी लर्निंग। ठीक है, बाय बाय।